जगदीशपुर में भारत जन जागरण जन्मभूमि मंडल के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद भगत सिंह जो शहीद के आजम हैं उनके चित्र पर लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित किया। पुष्पांजलि अर्पित करने के उपरांत उनके व्यक्तित्व पर लोगों ने प्रकाश डाला। जगदीशपुर में भारत जन्मभूमि जन जागरण मंडल के द्वारा शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के उपरांत उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। पुष्पांजलि अर्पित करने वाले में इंजीनियर संजय शुक्ला के अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वीर भगत सिंह अमर रहे अमर रहे अमर रहे। वीर शिवाजी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। वीर सुखदेव जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। वीर राजगुरु जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। वीर सुभाष चंद्र बोस अमर रहे अमर रहे अमर रहे। देश के शहीद जवान अमर रहे अमर रहे अमर रहे। गुरु जी हर इस भारत जन्मभूमि जन जागरण मंडल के हर सदस्य जो उपस्थित हैं, जो नहीं भी किसी कारण से उपस्थित हैं, क्योंकि ये संस्था बहुत ही प्रतिनिधित्व करता है जो भी एक आदमी उससे जुटा है, मैं भी उनमें से एक हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है, मैं बहुत सारे मुकामों को अलग कर दिया इसके लिए, कारण इससे बड़ा दिन ही नहीं होगा। और शहीद दिवस 6 शहीद दिवस है इस कैलेंडर ईयर, है ना। मैं थोड़ा इंफॉर्मेटिव भी है, पता नहीं सबको पता है कि नहीं, 6 मार्टर्स डे मनाए जाते हैं, तो एक ये भी है, 30 जनवरी भी है। तो आज देश के सपूत भगत सिंह, राजगुरु थापर, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु, ठीक 90 साल पहले 1931 में लाहौर में हम लोगों को छोड़ के देश के खातिर चले गए थे। हमको नहीं लगता है कि राष्ट्रभक्ति का इनसे बढ़िया कोई एक्सपोनेंट हो। एक्सपोनेंट माने जो शरीर लेके उसका बोध करता, इतना बड़ा बोधक तो कोई पूरे भारत में नहीं। सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद से अगर एक एट्रीब्यूट या एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये अद्वितीय थे, है ना। तो मेरा रुआ खड़ा हो जाता है, हम लोगों को इनसे, हम तो मात्र ये लेते हैं कि बलिदान कैसे किया जा सकता है अपने राष्ट्र के लिए या अपने देश के लिए या अपने संस्था के लिए, किसी भी अपने घर के लिए। राष्ट्र मने